वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट ट्रिप। मायसेल्फ राकेश कुमार चौहान और आज हम डिस्कस करेंगे वैदिक सभ्यता को। वैदिक सभ्यता से जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एनटीपीसी यदि हम बात करें, रेलवे की बात करें, तो वहां तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। सो आज हम वैदिक सभ्यता को डिस्कस करेंगे और लास्ट क्लास में हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन को देखा था, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखा था। हड़प्पा सभ्यता को हम देखते हैं और ये है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और इस वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है, 1500 से 620। 1500 से 620 का टाइम पीरियड है वैदिक सभ्यता का। आपने जब इंडस वैली सिविलाइजेशन देखा होगा तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में टाइम पीरियड कितना था, 2500 से 1750 बीसी का, 2500 से 1750 बीसी का टाइम पीरियड था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अब यहां पर वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड कितना है, 1500 बीसी से 600 बीसी तक टाइम पीरियड है वैदिक सभ्यता का, यानी कि डिफरेंस कितने का है, 250 बीसी का, यानी कि 250 ईयर का डिफरेंस है, 250 सालों का डिफरेंस है इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सभ्यता के बीच। और यहां से ये डिफरेंसेस आए कैसे, इसी डिफरेंसेस के बीच इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गई। और वो उसके खत्म होने का रीजन क्या रहा होगा, बाढ़ रहा होगा या फिर अदर डिजास्टर रहे होंगे जिसके कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गई। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के खत्म होने के बाद क्या आए, आर्यन आते हैं। आर्य मध्य एशिया से इंडिया में आते हैं और उसके बाद वैदिक काल की शुरुआत होती है। यानी कि आर्यों का आगमन कहां से हुआ, मध्य एशिया से। और यह बात किसने कही थी, मैक्स मूलर ने। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि मैक्स मूलर किसने यह कहा था कि आर्य मध्य एशिया से आए, तो उसका आंसर होगा मैक्स मूलर। यह क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आता है। तो हम बात कर रहे हैं वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड क्या था, 1500 से 600 बीसी। और टाइम डिफरेंसेस क्लियर हो गया होगा आपको, 250 बीसी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के खत्म होना और आर्यंस का आने का टाइम, बीच का टाइम पीरियड है 250 सालों का। सो अब वैदिक सभ्यता के दो पार्ट है। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, यह ग्रामीण सभ्यता थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन जब हमने देखा था तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसी सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन था, यानी कि नगरीय सभ्यता थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। बट हम बात कर रहे हैं वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण थी। क्या थी, ग्रामीण थी। और यह ग्रामीण सभ्यता थी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक पूर्व वैदिक काल जो कि 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच रहा, उसके बाद 1000 से 600 उत्तर वैदिक काल। क्लियर है। अब 1500 बीसी के बीच पूर्व वैदिक काल और 1000 से 600 रहा आपके पास उत्तर वैदिक काल। अब इस वैदिक का मतलब क्या है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वैदिक का क्या मतलब है। वैदिक का मतलब है ज्ञान, जिस चीज से हमें ज्ञान का बोध हो वो वैदिक कहलाता है, वेद कहलाते हैं। क्लियर है। तो वेद शब्द क्या मतलब क्या है, ज्ञान यानी कि नॉलेज। क्लियर है। तो 1500 से 1000 बीसी पूर्व वैदिक काल और 1000 से 600 बीसी उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में क्या हुआ था, पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई। किसकी रचना हुई, पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना होती है और उत्तर वैदिक काल में सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद की रचना होती है। तो हम जनरली जो आज बात करेंगे वह बात करेंगे हम किसकी, पूर्व वैदिक काल की। पूर्व वैदिक काल में क्या क्या घटनाएं होती हैं और वेदों की जानकारियां कहां से मिलती है,
तो वेदों की जानकारी जो है कहां से मिलती है? वेद से। वेद की संख्या कितनी है? चार, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्वेद, ये चार वेद हैं। तो वैदिक सभ्यता जानकारी वेद से मिली। दूसरी पुराणों से मिलती है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। यानी कि वेदों के बाद शतपथ ब्राह्मण ये पुराण है और उसका स्थान आ जाता है। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अरण्यक, अरण्यक की संख्या कितनी है? 7। 7 अरण्यक है। वही उपनिषद की यदि हम बात करें तो उपनिषद कितने हैं? 108 उपनिषद है। लास्ट, नेक्स्ट क्लास में हम इनको बड़े ही डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। और एक आता आपके पास वेदांग, क्या है? वेदांग, वेदांगों की संख्या 6 होती है। वेदांग कितने हैं? 6। तो इन सभी के नंबर्स याद रखने हैं, वेद 4, पुराण 18, अरण्यक 7, उपनिषद 108 और वेदांग 6। सो इनसे हमें पता चलता है वैदिक सभ्यता के बारे में। ऋग्वैदिक सभ्यता क्या है? ऋग्वैदिक सभ्यता को ही पूर्व वैदिक सभ्यता कहते हैं, पूर्व वैदिक काल की सभ्यता भी कहते हैं। तो इन सब से हमें जानकारियां मिलती है वैदिक काल की। साथ ही वैदिक काल की जानकारी साहित्यिक भी है और पुरातात्विक भी है। यानी कि जो किताबों से जानकारी मिले, बुक्स के द्वारा नॉलेज मिले, उसे बोलते हैं साहित्यिक नॉलेज। और पुरातात्विक नॉलेज क्या होता है? जिसे खुदाई के द्वारा प्राप्त किया जाए तो उसे कहते हैं पुरातात्विक नॉलेज। तो खुदाई से जो नॉलेज प्राप्त हुआ 1400 BC में एशिया माइनर से, एशिया माइनर से क्या मिला? बोगज कोई अभिलेख। क्या मिला था? बोगज कोई अभिलेख, बोगज कोई अभिलेख प्राप्त हुआ था। और इस बोगज कोई अभिलेख से इंद्र देवता, वही वर इंद्र, वरुण, नास्ता, इन सभी देवताओं के बारे में उस अभिलेख में रिटर्न मिला था। तो ये पुरातात्विक साक्ष्य हो गए। और हम साहित्यिक साक्ष्य की बात कर रहे हैं तो वेद, पुराण, अरण्यक ये तो है ही है साहित्यिक साक्ष्य वैदिक काल की। सो हम बात कर रहे हैं आप ऋग वेद, यानी वेद की हम बात कर रहे हैं ऋग्वैदिक काल में। तो वेद कितने हैं? वेद 4 है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्वेद। ऋग्वेद, ये ऋग्वेद है। ऋग्वेद का जो टाइम पीरियड है वह पूर्व वैदिक काल का है। और इनका जो टाइम पीरियड होगा, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद, इन सभी की रचना कहां होती है? उत्तर वैदिक काल में। क्लियर है? यानी कि प्री में इसकी रचना हुई। यदि क्वेश्चन आता है कि प्री वैदिक काल में किस वेद की रचना हुई, तो ऋग्वेद की। और उत्तर वैदिक काल में किस वेद की रचना हुई, तो वो है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्वेद की रचना होती है उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेद की हम बात करते हैं तो ऋग्वेद से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। यानी मंडल का मतलब क्या है? चैप्टर। ऋग्वेद में 10 चैप्टर हैं, 1028 सूक्त हैं, साथ ही 10462 ऋचाएं हैं। मंडल यानी कि चैप्टर्स, सूक्त के लिए हम बात करें सब चैप्टर्स, एंड देन ऋचाओं की सब चैप्टर्स का भी सब चैप्टर्स, ये ऋचाएं आएंगी। 10462 ऋचाएं हैं, इनको आप याद रखेंगे। वही फर्स्ट और पहला जो चैप्टर है, यानी कि पहला और दसवां मंडल है, वो न्यूएस्ट मंडल है, यानी कि सबसे बाद में जोड़ा गया। और दूसरा और सातवां मंडल सबसे ओल्डेस्ट मंडल है। क्या है? ओल्डेस्ट मंडल, सबसे पुराना मंडल है, जिसमें जिक्र किसका है? फैमिली का, वंश का जिक्र है दूसरे और सातवें मंडल में। वहीं तीसरे मंडल से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र किस मंडल में उल्लेखित है, किस मंडल में है? तो गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में है। और इसके रचयिता कौन है? विश्वामित्र। विश्वामित्र इसके रचयिता है। और यह किसको समर्पित है? तो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, यह भी याद रखना है।
सूर्यदेव सावित्री को समर्पित है। ये गायत्री मंत्र जो कि तीसरे मंडल में है ऋग्वेद की। वहीं सातवें मंडल की हम बात करें तो सातवें मंडल में किसका जिक्र है, बैटल ऑफ टेन किंग्स, दस राजाओं का युद्ध, कौन से मंडल में इसका जिक्र है, सातवें मंडल में। वहीं नौवें मंडल से आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नौवें मंडल में किस देवता का जिक्र है, तो देवता सोम का जिक्र किस मंडल में है, नौवें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। और देवता सोम किस चीज के देवता थे, तो वह गॉड थे प्लांट्स के, यानी कि वनस्पति के देवता कौन थे, देवता सोम। आप देवताओं की बात चल रही है तो देवताओं हिंदू धर्म में बहुत आपने सुना होगा 33 करोड़ देवी देवता है, बट हम बात कर रहे हैं प्री वैदिक एज की, तो उस टाइम वनस्पति के देवता कौन थे, सोम देवता, सोम देवता वनस्पति के देवता थे। वहीं अब आज के सिस्टम में आप देखेंगे कास्टिसिज्म, तो कास्टिसिज्म का जिक्र कहां होता है, दसवें मंडल में, और दसवां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया था, तो दसवें मंडल को पुरुषोत्त यानी कि वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर जिक्र मिलता है कि चार वर्ण जिसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण का जिक्र कहां से हुआ, पुरुषोत्त से, दसवें मंडल ऋग्वेद से। और कहा जाता है कि इन सभी का जो जन्म हुआ ब्राह्मण का, ब्रह्मा जी के मुख से होता है तो ये ब्राह्मण कहलाए, और क्षत्रिय जिनके भुजाओं से जन्म हुआ तो ये क्या कहलाए, क्षत्रिय कहलाए, और ब्रह्मा जी के नाभि से जन्म होता है ये कहलाए वैश्य, और शूद्र जो पैरों से जन्म हुआ उसे शूद्र कहा गया। बुक में जनरली इस का उल्लेख मिल जाएगा, तो पुरुषोत्त बहुत ही बाद में जोड़ा गया। और यहाँ से इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है कि किस मंडल में पुरुषोत्त का उल्लेख है, तो वह मंडल है दसवां मंडल। क्लियर है। और वेदों की जो जानकारी है, वेदों क्या है, श्रुति से भी बोलते हैं, साथ ही ऋग्वेद का जो पढ़ता है, ऋग्वेद का जो पुजारी होता है, जो पूजा करता है, पढ़ता है ऋग्वेद को, उसको होत्री के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं उसको, होत्री कहते हैं। वही यदि हम ऋग्वेद के सोसाइटी की बात करें, किसकी बात करें, सोसाइटी की हम यदि बात करें ऋग्वेदिक एज की, सोसाइटी की यदि हम बात करें तो सोसाइटी कैसी थी ऋग्वेद की, ऋग्वेद के समय में यानी प्री वैदिक एज ग्रामीण सभ्यता थी, यह तो आपको लर्न करना ही है। उसके बाद यहां पर सोसाइटी कैसी थी, पैट्रियार्कल, कैसी थी, पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, यानी कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी। कैसी सोसाइटी थी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। क्लियर है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी। क्लियर है, यहां से सोसाइटी कैसी रही, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी। वही हम यहां पर इनके इकोनॉमी, इनकी इकोनॉमी कैसी थी, एनिमल हस्बेंड्री थी, यानी कि ये लोग क्या करते थे, पशुपालन करते थे। क्या करते थे, एनिमल एनिमल हस्बेंड्री, यानी पशु पालन करते थे। और यहां पर फेमस जानवर कौन सा था, हॉर्स था। क्या था, हॉर्स था फेमस जानवर। और होली एनिमल्स के लिए हम बात करें तो होली एनिमल कौन हुई, काऊ, गाय को ये लोग पवित्र जानवर के रूप में मानते थे। और फेमस जानवर था कौन सा, घोड़ा। और ये पशु पालन करके अपना जीवन यापन करते थे प्री वैदिक एज के लोग। वही आपको यहां से हॉर्स से एक क्वेश्चन याद रखना है कि हॉर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो हॉर्स हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हॉर्स की हड्डियों के यानी घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो उसका आंसर क्या था, सुतकोदता से। सुतकोदता से घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य मिलते हैं। वही हम वैदिक
पीरियड की बात कर रहे हैं तो वैदिक पीरियड में रिलीजन का जिक्र हो तो रिलीजन के में क्या आपको देखने मिला, आज हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में अकॉर्डिंग टू हिंदू धर्म के अनुसार 33 करोड़ देवी देवताओं के साक्ष्य मिलते हैं, जिक्र होता है। परंतु ऋग वैदिक एज की यदि हम बात करें तो ऋग वैदिक एज में 200 ऋचाओं का जिक्र होता है देवता इंद्र के लिए। इसके लिए इंद्र के लिए कितनी 200 ऋचाओं का जिक्र आपको मिलेगा, और वही 250 ऋचाओं का जिक्र किसके लिए मिलता है, अग्नि के लिए। किसके लिए, अग्नि के लिए 250 ऋचाओं का जिक्र मिलता है और 200 इंद्र के लिए। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और वही और किस भगवान का जिक्र मिलता है, तो वही आपको मिलेगा वरुण देवता। यानी वरुण देवता का मतलब क्या था, वरुण की हम बात कर रहे हैं, देवता वरुण का संबंध था पानी से, वरुण देवता का जिक्र मिलेगा जिनका संबंध था पानी से। और फोर्थ गॉड आपको मिल जाएगा रुद्र नाम से, क्या चीज, फोर्थ गॉड थे रुद्र, फोर्थ रुद्र, जिन्हें आज के समय में महादेव के नाम से जानते हैं। क्लियर है, तो इन सभी देवी देवताओं का जिक्र कहाँ मिलता है, ऋग वैदिक एज में। सो फ्रेंड, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लेटर वैदिक एज को डिस्कस करेंगे। और ये तो मैं आपको वैसे क्लियर करा रहा हूँ टॉपिक्स, बाकी जितने जो इसके क्वेश्चंस बनते हैं एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, बिहार दरोगा, दिल्ली पुलिस, उन सभी क्वेश्चनों को समराइज करके मैं आपको एक अलग वीडियो में दूंगा, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में मिस नहीं हो। 0.25, 0.1 मार्क्स का भी डिफरेंस एक ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करेगा आपकी रैंकिंग में। सो थैंक यू वेरी मच, बने रहिए आप नेक्स्ट टाइम के साथ, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट टाइम को। थैंक यू वेरी मच।